फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की उन्होंने लगाई है, और वो सब दोस्तों से पूछ रहे हैं कि आखिर वो मोदी जी के बारे में कुछ पॉजिटिव क्या कह सकते हैं, और साथ साथ उन्होंने बड़ी लंबा चौड़ा कहानी भी लिखी है वहां पे। और वो इनका ये कहना है, जब मैंने उनसे ये कहा कि आप जो है वो इकोनॉमी को देख सकते हैं जो उन्होंने 5th नंबर पे पहुंचाई है भारत की, तो उन्होंने उसका क्रेडिट जो है वो मनमोहन सिंह साहब को दे दिया, और कहा कि झेलम के बेटा भी उनको बता दिया है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कई लोग मना भी कर रहे हैं ट्विटर पे उनको झेलम का मानने से। तो सर आप क्या कहेंगे, आपने वो ट्वीट देखी, और ये फवाद चौधरी साहब ऐसे इतनी पार्टीज बदल चुके हैं कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है किसी दिन बीजेपी ना ज्वाइन कर। असल में ये हमारा है, जो भारत की ओपोजिशन जमातें हैं, जो कांग्रेस हैं, जो राहुल गांधी हैं, उनका गठजोड़ है पाकिस्तान के साथ, और कैसे पाकिस्तान जो है वो राहुल गांधी को देखना चाहता है कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर बने। बीजेपी है जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फवाद चौधरी साहब के बयान को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि एज इफ जो पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत कांग्रेस की हिमायत कर रही है। हालांकि फवाद चौधरी साहब की इस वक्त आटे में नमक के प्राइम मिनिस्टर मोदी एक जगह पे खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रही है, मुआशरे को तकसीम करने की कोशिश कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के ऊपर, एंड और जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको वो चीव कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो इसको बड़ा पसंद करते हैं। ठीक है जी, थोड़े 2 दिन पहले, कल मेरा ख्याल है, एक दिन पहले पाकिस्तान के फॉर्मर एक मिनिस्टर है, नमस्कार भारती पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों आप वीडियो के अंदर देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया बात करी फवाद चौधरी के बारे में। आप फवाद चौधरी को जानते भी होंगे क्योंकि वो बहुत फेमस है उसकी हरकतों की वजह से। आपको पता होगा कि जब चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था और वो मिशन फेल हो गया था, तो फवाद चौधरी उस समय तक वो जाग रहा था और इसके बाद वो लगातार ट्वीट कर रहा था उसके फेलियर के बारे में, और इंजॉय कर रहा था और भारत का मखौल उड़ा रहा था कि जो चीज तुम कर सकते नहीं हो वो क्यों कर रहे हो। तो वो उसकी स्टेटमेंट है, इसके बाद वो लगातार भारत को लेकर स्टेटमेंट दे रहा था, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसमें ये ऐसा इंसान है जो हर जगह से जूते खाता है। आप इसके वीडियो चेक करिएगा, फवाद चौधरी का रनिंग वीडियो, इसमें आप देखेंगे कि जो पंजाब पुलिस है फवाद चौधरी को दौड़ा रही है और फवाद चौधरी भाग रहा है। तो ये ऐसे ऐसा इंसान है, वो अभी जो राहुल गांधी उनके सपोर्ट में आया है और रॉक ऑन राहुल करके ट्वीट किया था, और इसके बाद उसने एक और ट्वीट किया था जिसमें जो पीएम मोदी हैं उनके बारे में बात कर रहा है और पूछ रहा है कि ऐसा कुछ कोई क्वालिटी है पीएम मोदी की जो इनको पीएम होना चाहिए, या मुझे कोई ऐसी क्वालिटी उनके बारे में नहीं दिखती है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देखेंगे दोस्तों, और इसके बारे में जो पाकिस्तानी बात करें वो देखेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की उन्होंने लगाई है, और वो सब दोस्तों से पूछ रहे हैं कि आखिर वो मोदी जी के बारे में कुछ पॉजिटिव क्या कह सकते हैं, और साथ साथ उन्होंने बड़ी लंबा चौड़ा कहानी भी लिखी है वहां पे। और वो इनका ये कहना है, जब मैंने उनसे ये कहा कि आप जो है वो इकोनॉमी को देख सकते हैं जो उन्होंने 5th नंबर पे पहुंचाई है भारत की, तो उन्होंने उसका क्रेडिट जो है वो मनमोहन सिंह साहब को दे दिया, और कहा कि झेलम के बेटा भी उनको बता दिया है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कई लोग मना भी कर रहे हैं ट्विटर पे उनको झेलम का मानने से। तो सर आप क्या कहेंगे, आपने वो ट्वीट देखी, और ये फवाद चौधरी साहब ऐसे इतनी पार्टीज बदल चुके हैं कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है किसी दिन बीजेपी ना ज्वाइन कर। असल में ये हमारा है माइंडसेट की बात है हमारी। फवाद चौधरी साहब ने, देखें आज है मोदी, ठीक है ना जी, तो हमने उसे टारगेट किया हुआ है, हम पाकिस्तान वालों ने, ठीक है, उसे हिंदू फंडामेंटलिस्ट कह रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट कह रहे देते हैं, एंटी मुस्लिम कह रहे हैं। पहला मेरा सवाल ये है कि इन्हीं फवाद साहब से पूछा जाए, जब इंडिया में वाजपेयी की इनकी ये जो बीजेपी है इनकी हुकूमत नहीं थी, और पिछले 50 साल जो हैं वो कांग्रेस आई, उसके बाद कई और रूलर्स आए इंडिया में, तो हमने पाकिस्तानियों ने या फवाद साहब ने कभी किसी की तारीफ की हो? क्या इन्होंने महात्मा गांधी की कभी तारीफ की है? क्या इन्होंने कभी इंदिरा गांधी की तारीफ की है? क्या इन्होंने कभी नेहरू की तारीफ की है? क्या इन्होंने मनमोहन सिंह की ही कभी तारीफ की हो उस जमाने में? बात यह है कि कोई भी इंडिया में कोई भी आ जाए वो हमारा दुश्मन है, ठीक है, और हमने उससे नफरत करनी है। तो जब हमारा एजेंडा ही ये है कि हमें कोई वाजपेयी साहब पाकिस्तान आ गए, ठीक है ना, अपनी एक जो थी उन्होंने जितनी गुडविल दिखा सकते थे, जितना आगे जा सकते थे वो चले गए, हमने उनको क्या क्रेडिट दिया था वाजपेयी साहब ने? क्या फवाद चौधरी ने इन्होंने कभी वाजपेयी साहब के बारे में कोई अच्छे अल्फाज कहे हैं? कोई इनकी ऐसी कोई ट्वीट हो उस जमाने में? कभी नहीं होगी, आप कभी नहीं देखेंगे। तो बात यह है कि वो बेचारे इंडिया वाले फरिश्ते भी बन जाएंगे ना, तो वो हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन रहेंगे। तो इन लोगों की क्या बात करनी, जिनका आपने खुद कहा है कि इनका अपना पेंदा कोई नहीं है। पहले तो ये बताए ना कि ये है किस पार्टी के बंदे,
ठीक है ना, सियासतदान है, तो सारी पार्टियां ये घूम चुके हैं, तो मेरा हाल इन्हें फिर से घूम के ना जो फर्स्ट वन थी उसी में चले जाना चाहिए। तो कहने का ये नॉन सीरियस चीज़ें हैं, मकसद हमारा ये किया है कि इंडिया के साथ नफरत और दुश्मनी का इजहार करना है हमने, उसके लिए हमें बस बहाने चाहिए। हमें, मैं ये पूछता हूँ कि कई बार मैंने ये सवाल भी उठाया है सोशल मीडिया पर और खुद भी कोशिश की है कि कभी मोदी साहब ने कोई एंटी मुस्लिम इंडिया में कोई स्टेटमेंट दी हो। उसने तो ये कहा एक तरफ कुरान पाक होना चाहिए, एक तरफ इनके हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन मुसलमानों के हाथ में होनी चाहिए। एक तरफ भारत क्योंकि ग्रो कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान पॉलिटिकली भी स्ट्रगल कर रहा है, तो इसलिए भारत ये कहता है कि अब अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी देखें तो उसमें जो पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर है कि भारत में इस वक्त इंतखाबात का सिलसिला जारी है और इंतखाबात में आपको पता है कि दोनों अतराफ से, पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है कि आप ताबड़तोड़ हमले करते हैं, बीजेपी निशाना अगर कांग्रेस को बना रही है तो कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रही है। जो फवाद चौधरी हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी हैं और फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं इमरान खान की गवर्नमेंट में, उन्होंने एक ट्वीट किया और वो तीन अल्फाज का था कि राहुल ऑन फायर। अब उनको भी शायद नहीं पता था कि यह जो उनका ट्वीट है तीन अल्फाज का, पाकिस्तान में तो शायद उसका इतना किसी को कोई फिक्र भी नहीं थी, भारत में उसने आग लगा दी। भारत बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये देखें एक एविडेंस आ गया है कि कैसे जो भारत की अपोजिशन जमाते हैं, जो कांग्रेस हैं, जो राहुल गांधी हैं, उनका गठजोड़ है पाकिस्तान के साथ और कैसे पाकिस्तान जो है वो राहुल गांधी को देखना चाहता है कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर बने। बीजेपी है जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फवाद चौधरी साहब के बयान को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि एज इफ जो पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत कांग्रेस की हिमायत कर रही है, हालांकि फवाद चौधरी साहब की इस वक्त आटे में नमक के बराबर भी पाकिस्तान की सियासत में बिल्कुल भी कोई हैसियत नहीं। तो इसमें दो चीज़ें एस्टैब्लिश हुई कि अगेन जो अदरवाइज ये तासुर दिया जाता है भारत की तरफ से कि जी पाकिस्तान रेलिवेंट नहीं है, लेकिन वोट लेने के लिए स्टिल कहीं ना कहीं पाकिस्तान आज भी भारत में रेलिवेंट है, और उसकी मुझे मजीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप पब्लिक रैली के अंदर बजाय इसके कि आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर बात करें, आप पाकिस्तान के ऊपर और उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरा इसके अंदर आई थिंक जो एक और पहलू है वो भी हमें याद रखना चाहिए कि ये बात भी बिल्कुल लेजिटिमेट कंसर्न है कि जो सियासतदान होते हैं वो जहां पर तो उनकी कारकर्दगी अच्छी है या जहां पर वो अच्छा पॉइंट स्कोर कर सकते हैं उसका तो जिक्र करते हैं, लेकिन जहां पर उनकी नाकामियां हैं उधर वो अवॉइड करते हैं। अब जहां वो पाकिस्तान के बारे में, और आप कह सकते हैं कि फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव कि भारत की पॉलिसी एक लिहाज से वो ठीक रही कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने इंगेज नहीं किया, पाकिस्तान को हर तरह से आइसोलेट करने की भी कोशिश की, और फिर इस सारे अरसे के अंदर जो अगर आप फ्रॉम बीजेपी पर्सपेक्टिव ये देखें तो भारत के अंदर कोई इस तरह की बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई भी नहीं हुई, तो भारत ये क्लेम कर सकता है कि देखें उनकी जो पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर के वो सक्सेसफुल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक जगह पे खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रही है, मुआशरे को तकसीम करने की कोशिश कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के ऊपर, एंड और जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको वो अचीव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो इसको बड़ा पसंद करते हैं। ठीक है जी, थोड़े दो दिन पहले, कल मेरा ख्याल है एक दिन पहले, पाकिस्तान के फॉर्मर एक मिनिस्टर रह चुके हैं फवाद चौधरी, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की और बीजेपी ने उसको एज ए कमेंट ले लिया है और ये कहा कि ये पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप उस मुल्क के दरमियान है, उस मुल्क की कांग्रेस के साथ है जो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है और जिसे वो कह रहे हैं और कांग्रेस मुल्क को कमज़ोर कर रही है। सो ये आप इमेजिन करें कि अब वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी लीडर जो है ना वो दुआएं कर रहे हैं शहजादे के लिए। ठीक है, कल उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा, मैं तो वैसे ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ, मैंने वो देखा था कहीं पे फवाद चौधरी ये बात कर रहे हों, तो मे बी फवाद चौधरी को लाया गया होगा उस शो में डिस्कशन करने के लिए। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे अमूमन, एक तो मैं ट्रेंड आपको बता दूं कि ये जो पाकिस्तान का इलेक्शंस हुए थे 2 फरवरी में, इस पे इंडिया ने कम्प्लीटली बैकआउट किया पाकिस्तान का, तो कोई लंबी चौड़ी इंडियन मीडिया के अंदर पाकिस्तान की डिस्कशन नहीं हुई और उन्होंने कहा जी हमने इग्नोर करना है। ठीक है जी, अभी क्योंकि एक हालात पैदा हुए हैं, फवाद चौधरी जेल से निकले हैं अभी और उन्होंने आके समझाया, कहा जी कि कांग्रेस जो है या राहुल गांधी जो है वो सॉफ्ट है, ठीक है, वो सेकुलर हिंदू की इंडिया की बात कर रहे हैं। सो नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को पकड़ लिया कि देखो जी पाकिस्तानी तो कांग्रेस को लाने की दुआएं कर रहे हैं, और मैं इस बात पे मुझे कोई बेईद नहीं है कि हो सकता है बीजेपी ने कहा हो टीवी वालों को कि आप जरा उनका इंटरव्यू करें, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एक इंक्लिनेशन है इस तरफ, मैं आई कैन लुक इनटू इट, मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी
और हमारे पाकिस्तानी लीडर जो हैं रादर दैन कि वो कमेंट ही ना करते कि और है, उन्होंने एक मौका दे दिया है कि बीजेपी को कि वो जनाब कमेंट करें। और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी तो पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं करते थे, हमने बड़ी दफ़ा जिक्र किया, इग्नोर करते। इंडिया की पॉलिसी पाकिस्तान को है इग्नोर करने की, लेकिन इलेक्शंस के अंदर डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उससे एक माहौल बनता है। दिस इज हाउ पॉलिटिशियंस डू, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जिसे वो कहेंगे ना कि अब वो पाकिस्तान को कह रहे हैं जी कि ये अच्छा जिसके हाथ में पहले ग्रेनेड बॉम्ब हुआ करते थे, आज उनके हाथ में कटोरा है, ठीक है जी। तो जब कांग्रेस हुआ करती थी उस वक्त दहशतगर्दी हुआ करती थी, और जब से ये लोग पावर से गए हैं अब चीजें बेहतर होनी शुरू हो गई है, क्योंकि मोदी आ गया है, बीजेपी आ गई है, हम घुस के मारते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि पाकिस्तानी कह रहा है कि जो भारत है, भारत वो हमेशा इग्नोर करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान अगर कहता है ट्रेड रिलेशन के लिए तो इग्नोर करता है। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर जैसे कि इमरान खान जो था, वो लगातार जो पीएम मोदी है उनके ऊपर स्टेटमेंट देता था और उनको एक तरीके से गालियां देता था, और जो हमारे पीएम है उन्होंने लगातार उसको इग्नोर किया। लेकिन जब फवाद चौधरी जैसा इंसान जब स्टेटमेंट देता है तो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने चुनाव जीतने के लिए। तो ये तो एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है और ऐसे यूज किया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पाकिस्तान है उसको उसकी वैल्यू जो है हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कोई भी इंडियन से पूछिए तो पाकिस्तान हमारे लिए एक मनोरंजन का साधन है, जो कि जितने भी भारतीय हैं वो पाकिस्तानी जो न्यूज चैनल है, पाकिस्तानी रिपोर्टर है, या पाकिस्तान के अंदर जो चीजें होती हैं उनको देख के एंजॉय करते हैं। तो ये उनको ये चीज समझना चाहिए कि इतना इंपॉर्टेंस खुद को ना दे। अभी चुनाव है, वो रैलियों में यूज किया जा रहा है, तो बस इतना ही वो अपने आप को समझे। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो पाकिस्तानी है वो किस तरीके से जो भारत के अंदर इलेक्शन हो रहा है उसको कवर कर रहे हैं, और किस तरीके से जितने भी न्यूज चैनल है पाकिस्तान को वो पीएम मोदी के खिलाफ ही बोल रहे हैं, और जो अपोजिशन है, जो कांग्रेस है, इंडिया अलायंस है, उसके बारे में वो बात करें, उसकी तारीफ कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो भारत है, भारत के अंदर इंडियन जो अलायंस है उसकी सरकार बननी चाहिए, ना कि मोदी की सरकार बननी चाहिए। आप पुराना वीडियो चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। चाहे वो फिजा खान हो या अब्दुल बासित हो या वैसे बहुत जो बड़े जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, वो अंदर इनकी सबकी यही मानसिकता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर उनको पीएम मोदी से दिक्कत क्या है? अगर हमारे देश में जो लोग हैं वो पीएम मोदी को चुन रहे हैं, तो अब उनका एक और चीज चलता है पाकिस्तानियों का कि जो इंडियन जनता है वो फासिस्ट हो गई है और फासिस्टों को सपोर्ट कर रही है। तो उनका ये मानना है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक तरीके से अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं और जो काम किया है हमारे लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है भारत के अंदर, या जो स्कीम्स है जैसे कि उज्ज्वला स्कीम्स है, हर नल से जल स्कीम्स है, और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारे जो स्कीम है, आयुष्मान भारत, इन ये जो जितनी जितना फायदा दिए हैं जो गरीब लोग हैं उनको, जो माइनॉरिटी है या भारत के जो सिटीजन है उनको, तो वो जो चुनाव हो रहा है उसमें उनको वोट दे रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी है वो इसके बाद उनको बोलेंगे कि जो इंडियन है वो भी एक फासिस्ट रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।